हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। और मार्केट की फटाफट बात करते हैं। वी ऑल नो कि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है, और कह सकते हैं इथेरियम का अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ तो लमसम 3900 के आसपास आ चुका है इथेरियम। BTC की बात करते हैं तो ये भी 53,600 के आसपास आ चुका है। क्या ये सरप्राइज है? मेरे हिसाब से सरप्राइज नहीं है। अगर आप डेली जो मैं टेक्निकल एनालिसिस वगैरह बताता हूँ किस रेंज तक आ सकता है, तो ये हमारे लिए सरप्राइज नहीं है। क्योंकि तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि एक जो सपोर्ट और जो बाइंग जोन है डेट इज़ 51 से लेके 54 के आसपास है, और अगर 53 का ये लेवल टूटता है सपोर्ट तो हम 48-49 के आसपास जा सकते हैं, और वहाँ से अच्छी खासी एक बाइंग आ सकती है। तो राइट नाउ अच्छे खासे जो एक प्रीवियस जो मार्केट गिरा था वहाँ पे दोनों इथेरियम और BTC अपना एक सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, और सपोर्ट नहीं मिला तो थोड़ा बहुत और नीचे आ सकते हैं। नेक्स्ट चीज फटाफट हम लोग बात करेंगे, कोई ज़्यादा चार्ट्स वगैरह मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। क्या करना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर? सबसे पहले जो चीज़ है मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि USDT और INR जो है पेयर, इस पर फोकस करो। आप जो भी इंडियन एक्सचेंज यूज़ करते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। मेरे से पूछेंगे तो मैं CoinDiscX यूज़ करता हूँ क्योंकि लिक्विडिटी वगैरह सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं, ट्रेडिंग काफ़ी फास्ट होती है। अब क्या करना चाहिए? राइट नाउ USD की बात करता हूँ तो 79.6 चल रहा है, ओके। और यहाँ पे अगर BTC नीचे आता है तो यहाँ पे USD का प्राइस ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जब BTC नीचे आता है तो लोग उसको बाय करने के लिए USD खरीदते हैं, और डेट्स वाई प्राइस ऊपर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से USD का जो प्राइस है वो आपको एक रेंज में दिख सकता है, अराउंड 81 के आसपास दिख सकता है, और इन दैट मोमेंट कहीं ना कहीं में एक अच्छे से स्पाइक देख सकते हैं, हम 83 के आसपास देख सकते हैं। तो आप 83 के आसपास आता है तो एट द टाइम आप थोड़ा सा USD बेच सकते हैं, INR आपको मिल सकता है, तो इसके अंदर भी आप ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ऑल्ट कॉइन से एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे जो ऑल्ट कॉइन मैं आपको बता रहा हूँ, जो लास्ट टाइम भी मैंने कवर किया था, जिनके ऊपर आपको नजर रखना है, वो है डॉट। और डॉट की राइट नाउ प्राइस चल रही है 35 के आसपास चल रही है, और हमको जो एक ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न है इसको एक जो बाइंग जोन है मैं कह सकता हूँ, आपको 30 या 31 के आसपास आप डॉट बाय कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरा जो कॉइन है जो मैंने पहले भी कवर किया था वो था FTM, और यहाँ पे भी अच्छा खासा एक ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बना है, ऊपर की तरफ है। और राइट नाउ यहाँ पे हम, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि पांचवा जो इम्पल्सिव वेव है ई, उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, सपोर्ट मिल चुका है और प्राइस अच्छा खासा ऊपर चल ही रहा था, बट बिकॉज ऑफ BTC वापस से वो सपोर्ट जोन पे आ गया है। राइट नाउ इसकी प्राइस चल रही है 2.07 के आसपास चल रही है, और मेरे हिसाब से मैं आपको कहूँगा इसको थोड़ा बहुत यहाँ से बाय करो, एक्यूमुलेट करो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है वो मैं स्पॉट का बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेवरेज फ्यूचर्स वगैरह बिल्कुल करने को नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत रिस्की रहेगा, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, आराम से आप लिक्विडेट हो जाओगे, ओके। तो बेटर यही रहता है कि जो अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं उनको डिप में लेके रखो, भले एक हफ्ता लग जाए, 2 हफ्ता लग जाए, लेकिन वो वापस से बाउंस बैक लेंगे। और राइट नाउ प्राइस नीचे क्यों आ रहा है? अब सबकी अलग अलग अटकलें लग रही हैं इसके ऊपर। कोई कह रहा है कि एक्सपायरी का दिन है तो उसी हिसाब से नीचे आ रहा है। न्यूज़ पे चीज़ें चल रही हैं कि भाई कोरोना का जो एक नया वेरियंट कोई निकल के आया है उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट में हड़कंप मचा है, तो वो भी सारी चीज़ें हैं। तो मोस्टली मुझे उसी हिसाब से चीज़ें लग रही है कि शायद उस रीज़न से थोड़ा सा मार्केट में वो पैनिक जैसा है तो प्राइस नीचे आ रहा है। बट अगेन इट्स एन अपॉर्चुनिटी, और हमेशा हमने देखा कि जब भी इस तरह से जो न्यूज़ आती है उसके बाद से फटाक से प्राइस ऊपर आ जा रहा है, ठीक है। तो मेरी नज़र बस यहीं पे, मैं यही देख रहा हूँ कि कब ये 53 से नीचे आता है और उसके बाद से सडन एक डिप मिलेगी एंड देन वी हैव टू बाय, ठीक है। बाय कर लो अगर आपने 48 पे बाय किया, 49 पे बाय किया है, और उसके बाद अगर 45 भी आ जाता है, सपोज कीजिए 41 भी आ जाता है, तो चिंता मत करना, घबराना मत कि यार मैंने तो 48 पे बाय कर लिया, 49 पे बाय कर लिया और मुझे इतना नीचे मिल गया, बाइंग आएगी। एक बस बस दिमाग में ये रख लो कि माइकल सेलर है, उसने भी अच्छा खासा बाय करके बैठा हुआ है, ओके। और ये मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाएगा, ये जस्ट एक अपॉर्चुनिटीज होती है, मार्केट के अंदर साइकिल घूमता रहता है। मॉर्निंग में CZ ने जो एक ट्वीट डाला था इसी हिसाब से थोड़ा सा एक बेरिश डाला था कि मार्केट में सोच समझ के करना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं करना चाहिए, तो एक इंडिकेशन मिल गया था। मैंने वहाँ पे तुरंत एक मैसेज किया था कि भाई होशियार रहना, ओके। अब जिन लोगों ने समझा तो समझ गए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि आप चाहते हो कि मैं डेली अपना सारा काम काज छोड़ दूँ, ओके, और आपकी उंगली पकड़ के आपको एक एक कदम चलाऊँ,
ठीक है, जितना होता है जितना वक्त मिलता है कोशिश करता हूँ ऑन द स्पॉट देने की, ताकि आप गलत ट्रेड से बच सको, नुकसान से बच सको, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो जो बेस्ट होता है वो बेस्ट मैं कर पाता हूँ, अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ देने की। ठीक है, नेक्स्ट कॉइन जो है जिसके ऊपर मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ वो है शिबा इनू। आप इसे मैं पकड़ रहा हूँ, और स्टिल यहाँ पे कह सकते हैं राइट नाउ जो इसकी प्राइस चल रही है 3696 के आसपास चल रही है शिबा इनू। क्या करना चाहिए, इसके अंदर हमें ज़बरदस्त एक पंप मिलेगा, देर सवेर अच्छा खासा मिलेगा। और एक दिन पहले ही जब ये BTC गिरा नहीं था, ये सब गिरावट नहीं आई थी, शिबा इनू के अंदर 26% से ज़्यादा प्रॉफिट था। ओके, और अभी उसी बेस लाइन पर है, इसको ले लो। बहुत ज़बरदस्त मार्केटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो मेरे हिसाब से ये आपको इतना निराश तो करेगा नहीं। और राइट नाउ फिबोनाची की एकदम बॉटम जीरो लेवल पे है ये, और यहाँ से अगर मैं 61.8 भी पकड़ता हूँ तो 7700 के आसपास शिबा इनू को मैं देख रहा हूँ इन पेयर ऑफ USDT था। दिस इज द टाइम टू ग्रैब होल्ड, और शांति से बैठ के मार्केट को देखो। ये मत सोचो कि यार साला मैंने यहाँ पे इतना डाल दिया इतना डाल दिया, रात के 10 बज गए, खाना खाने का टाइम हो गया, लेकिन ये मार्केट नहीं बढ़ा। ओके, तो इस तरह से नहीं सोचो, पॉजिटिव तरीके से सोचो। यहाँ पे वक्त आता है जब आपको एक ट्रेडर बनना पड़ता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब आपको एक इन्वेस्टर बनना पड़ता है। ओके, तो राइट नाउ इट्स अ टाइम टू इन्वेस्ट योर मनी एंड वेट फॉर प्रॉफिट। ओके, अभी कुछ कॉइन्स आएंगे दिमाग में तो फटाफट आपको टेलीग्राम पे मैं बोल दूंगा। तो इसके लिए टेलीग्राम का जो चैनल है और ट्विटर है, वो उसकी जो लिंक है, ओरिजिनल जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उसी को क्लिक करके ज्वाइन करना। बाकी स्कैमर्स वगैरह से सब बच के रहना, कोई भी पैसा मांगे तो मत देना। और फाइनली एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो मैं चार्ट्स पे अभी देख रहा हूँ, BTC 53,500 के आसपास चल रहा है, और क्यों 50,800 या 51 के आसपास जब आएगा तो एक फटाक से बाउंस बैक मिलेगा। तो जो लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं इस बात को नोट कर लेना, ठीक है, बाउंस बैक मिलेगा, फिर नीचे भी जा सकता है या ऊपर भी जा सकता है, ऐसा रहेगा। लेकिन स्कैल्पिंग में आप कमा सकते हो, बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा उस टाइम पे। क्यों बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वन डे के चार्ट में 50,800 जो है वो फिबोनाची का गोल्डन रेशियो है। गोल्डन रेशियो जो होता है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। प्राइस हिट होगा, बाउंस होगा, और अगर हिट होता है बाउंस होता है वापस एक दो बार हिट करके तोड़ता है तो बहुत तेज़ी से फिर नीचे जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और नीचे जाएगा तो 78.6 है, वो सब इसको सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आई, एनालिसिस पसंद आई, बातें पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि जो भी मोर नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी कोशिश करूँ जल्द से जल्द आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।